नमस्कार, सिटी पॉप लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आर्या चतुर्वेदी। अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव से मुलाकात के दूसरे दिन आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के एक्शन में बदलाव आ गया है। पार्टी दफ्तर छोड़कर तेज प्रताप यादव अब चुनाव प्रचार में जोर शोर से जुट गए हैं। तेजस्वी यादव को शनिवार की शाम आशीर्वाद देने के बाद रविवार को तेज प्रताप यादव वैशाली के महनार पहुंच गए। यहां भी तेज प्रताप यादव अनोखे अंदाज में दिखे। लालू के रंग में नजर आ रहे तेज प्रताप रथ पर सवार हुए। उनका काफिला रथ के पीछे चलता हुआ नजर आया। दरअसल तेज प्रताप यादव महनार के इसापुर में एक निजी स्कूल के उद्घाटन समारोह में भाग लेने पहुंचे थे। इस दौरान कार्यकर्ता ने उनका भव्य स्वागत किया। इसी स्वागत के तहत कार्यकर्ताओं ने रथ का इंतजाम किया था। बताते चले कि इस बार तेज प्रताप ने बीजेपी के रथ के मुकाबले रविवार को धर्मनिरपेक्ष संघ DSS का रथ निकाला है। बिहार के महनार से इस रथ यात्रा की शुरुआत हुई जो पूरे बिहार में जाने वाली है। तेज प्रताप यादव का कहना है कि उनका यह रथ सूबे में धर्मनिरपेक्षता का संदेश देगा। ये बीजेपी की तरह हिंदू मुसलमानों को बांटने वाला रथ नहीं है। गौरतलब है कि धर्मनिरपेक्ष सेवक संघ एवं युवा संगठन जिसकी स्थापना पिछले साल की गई थी। तेज प्रताप यादव ने कहा कि आडवाणी जी के रथ को उनके पिता लालू यादव ने रोका था क्योंकि वह रथ यात्रा देश को बांटने वाला था। वह रथ हिंदूवादी था। अगर बीजेपी धर्मनिरपेक्षता का रथ निकाले तो स्वागत है, लेकिन देश को बांटने वाले रथ को हम फिर से रोकेंगे। तेज प्रताप यादव ने आज रथ की सवारी की, फिर उसके बाद भागवत कथा का आनंद भी लिया। इस भागवत कथा का आयोजन उनके राजनीतिक विरोधी ने किया था, लेकिन तेज प्रताप यादव का कहना है कि राजनीति में कोई दुश्मन नहीं होता। कल का विरोधी अगर आज दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहता है तो उसका स्वागत है। फिलहाल सिटी पोस्ट लाइव में इतना ही। और अपडेट जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव।